तो दिस इज रंजीत, रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं योर ब्यूटीफुल सा चैनल पीपीटी आरकेजे, यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल प्लेस करा जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने देखा था नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है और टॉर्क भी जीरो होता है और मे नॉट भी जीरो होता है। तो पर्टिकुलर कंडीशन में टॉर्क जीरो होता था और एक्सेप्ट दोज टू पर्टिकुलर कंडीशन टॉर्क जीरो नहीं होता था। तो ये अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अब पूछोगे कि टॉर्क किस कंडीशन में जीरो होता था, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आइदर वो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। दैट मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डाइपोल मूवमेंट इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दिस केस द टॉर्क प्रोड्यूस बाय डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। सिमिलरली यहां पर अपन लोग देखेंगे जब डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। तो बाय द वे मैं बता देना चाहता हूं आज का लेक्चर बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, स्पेशल जेई और नीट के लिए आज का लेक्चर है। तो और इस लेक्चर का नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल प्लेस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगाइए डाइपोल, कौन सा डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय द वे मैं बता देना चाहता हूं आज जो भी मैं यहां पे कुछ डेरिवेशन या इंटीग्रेशन जो भी कुछ लूंगा वो नेक्स्ट लेक्चर से, यानी जब मैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो वहां से कुछ टर्म्स को मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा। तो कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जो मैं समझाऊंगा वो अभी एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, अगर इक्वी डिस्टेंस या नॉट पैरेलल हो या इक्वी स्पेस्ड नहीं हो तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है उसे हम लोग क्या मानते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट दिस वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें जब अपन लोग डायपोल प्लेस करते हैं, मान लीजिए कि दिस वन इज अ डायपोल, ओके, दिस वन इज अ डायपोल, ओके, और यहां पे अपन लोग कौन सा मॉलिक्यूल उठाएंगे, तो द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई विल टेक दोस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम यहां पे इस टाइप्स के मॉलिक्यूल को लेंगे। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जानते हैं, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जानते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी भी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो नेट, यानी नेट फोर्स कितना लगता है, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो लगता है क्या, तो ऑलवेज। आज अपन लोग ये भी देखेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो कैसे होगा, आज का लेक्चर में ये प्रूफ हो जाएगा। और नेट टॉर्क इक्वल टू अपन लोग क्या देखे थे, तो नेट टॉर्क भी जीरो होता है या मे नॉट भी जीरो होता था, ठीक है। किस कंडीशन में जीरो होता था, तो जब पी यानी डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का एंगल अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो इन दैट केस नेट टॉर्क अपन लोग को जीरो मिलता था। अब रहा बात जीरो कब नहीं मिलता था, तो एक्सेप्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल जब भी डाइपोल को प्लेस करा जाता था इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो टॉर्क अपने को मिलता था। ये अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज देखेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस करते हैं तो क्या होगा। डेफिनेटली जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कहने का मतलब ई तो वेरी कर रहा होगा, कहने का मतलब ई टेंड्स टू इंक्रीज या डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो इन दिस केस में यानी ई क्या कर रहा होगा, वेरीज कर रहा होगा, ठीक है, ई वेरीज कर रहा होगा विथ विथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट,
या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा, तो इन दिस केस फोर्स जो होगा अपना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्यू ए होता है। तो यहां पर देखो डिपेंड क्या, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा, तो फोर्स एक्चुअली में चार्ज पर डिपेंड कर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर एफ नेट का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा, यानी एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। किस कंडीशन में, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बट टॉर्क जीरो भी हो सकता है और टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है, बट टाउ नेट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। आप पूछोगे कि जीरो किस कंडीशन में होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आइदर 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। टॉर्क जीरो कम नहीं होगा, तो टॉर्क जब एक्सेप्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो इन दैट केस टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो अब रहा बात, जब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो एक्चुअली में नेट फोर्स होगा कितना, तो चलिए आज अपन लोग वही कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी छापना है जस्ट इसे छाप सकते हैं एज अ स्क्रीनशॉट लेकर, कर लीजिए इसे, हो गया, मिटा दूं क्या। चलिए अब चलिए अपन लोग, ये तो कंफर्म हो गए कि फोर्स जीरो नहीं होगा जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को प्लेस करते हैं। अब क्वेश्चन रहा कि एक्चुअली में फोर्स होगा कितना जब डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, फोर्स ऑन डायपोल, फोर्स ऑन डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन non-uniform electric field। तो देखना बहुत ही सीरियसली से देखना, मानता हूं कि यहां पे आपको कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो सकता है, क्योंकि यहां पे मैं जो कुछ लूंगा टर्म्स या फॉर्मूले वगैरह लूंगा वो आपका चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 से मैं उठाऊंगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, we know that work done by external force equal to क्या होता है, तो work done by external force equal to change in energy होता है due to dipole के कारण। तो अभी इस सब के बारे में आपको कोई भी सोचने की बात नहीं है, तो छोटा सा force equal to क्या होगा, तो छोटा सा force यानी work done by external force equal to क्या होगा, Change in potential energy, और potential energy और work done actually में होता क्या है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा work done equal to होता है force into displacement equal to क्या होगा, तो change in potential energy। तो force कौन सा, तो जब external work done है तो force external, ठीक है, into displacement, छोटा सा work done के लिए छोटा सा displacement, तो हमने मान लिया छोटा सा displacement dx हुआ, ठीक है, यानी force into displacement equal to क्या होगा, तो du होगा। अगर मैं आपसे external force पूछना चाहूंगा तो क्या होगा, तो du upon क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब इसे आप equation 1 मान लीजिए, ओके, नाउ अब ध्यान से देखना, तो क्या, तो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में potential energy equal to क्या होता है, किसका, तो dipole का। तो potential energy को अगर मैं U से denote करता हूं तो U equal to क्या होता है, तो dipole moment into electric field minus लगाकर, ठीक है, तो ये रहा अपना dipole के कारण पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना होता है, तो माइनस ऑफ पी डॉट ई, वेयर पी इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट एंड ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ई इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये इक्वेशन मान लीजिए 2 रहा, ठीक है, ये इक्वेशन
वन और ये इक्वेशन टू कहां से आया, मैं आपको जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहां से आप कंफर्म हो जाओगे कि ये एक्चुअली में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कहां से आया। अभी आप मान के चलो कि ये होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में आप पुट करके देखिए तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, यानी एफ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो यू इक्वल टू क्या है, तो माइनस ऑफ पी डॉट ई, तो माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई होता है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था कि हम वही मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, तो कहने का मतलब डाइपोल मूवमेंट परमानेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू होगा, तो दैट इज कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, टेकन एज आउटसाइड, तो पी को अपन लोग क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, तो अपन लोग क्या कर लेंगे, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस पी इज टेकन एज आउटसाइड, वेयर पी इज इक्वल टू व्हाट, टू डाइपोल मूवमेंट। तो पी जब बाहर ले लेंगे तो अपन लोग के पास क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिला, ये अपना एक्सटर्नल फोर्स हुआ या नेट फोर्स हुआ, किस पर, तो डाइपोल पर। कब, जब व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थ्री, तो इसे आप लर्न कर लेना, इसे आप लर्न कर लेना। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स ऑन दैट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ पी इनटू डी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखना क्या, तो इसे पहले आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अपन लोग, हमने जो बताया था जो नेट फोर्स ऑन डाइपोल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन यूनिफॉर्म तब उस पर फोर्स जीरो कैसे होता था, तो ये अपन लोग प्रूव करेंगे। अब रहा बात ये जो डी अपॉन डी एक्स क्या है, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। चलिए लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ओके। चलिए अब क्या है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटा दूं क्या, चलिए कहां से मिटा दूं, चलिए टोटल मिटा देता हूं। चलिए फिर से आप समझने की कोशिश करना और अटेंशन थोड़ा अधिक देना, क्या, तो फोर्स या नेट फोर्स अपने को क्या मिला, तो माइनस ऑफ पी इंटू डी अपॉन डी एक्स मिला, ठीक है। नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स किस पर, तो ऑन डाइपोल पर, कब, तो जब डाइपोल को प्लेस करा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ध्यान से सुनना, इन केस वन, जब मैं केस वन लेता हूं, ध्यान से देखना, केस वन में क्या, तो मान लेते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा। कैसे, तो समझने की कोशिश करना, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पोजीशन के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर वेरी नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, मैथमेटिक्स में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को जीरो मिलता है। तो इन दिस केस जब डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो, तो इस इक्वेशन में अगर अपन लोग पुट करते हैं तो देन चेक कीजिए एफ नेट इक्वल टू क्या हुआ, तो एफ नेट इक्वल टू माइनस पी इंटू डी अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, तो जीरो है। जब किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अपना जीरो आता है, क्या आता है, तो जीरो आता है। तो हमने आपको इससे पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 23 में आपको समझाया था
जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, ऑलवेज करके समझाया था। तो यहां से आपका प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या मिलता है, जीरो मिलता है। अब रहा बात नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डी अपॉन डी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। केस टू फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो वेरी कर रहा है तो दिस थिंग्स इज वेरिएबल, और जब वेरिएबल होगा तो उनका डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल टू जीरो। जब डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा देन एफ नेट का वैल्यू कुछ डेफिनेटली होगा है। हेयर क्या चीज, तो डी अपॉन डी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब इक्वल जीरो नहीं होगा देन एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, तो एफ नेट अपने को मिलेगा माइनस पी इंटू डी ई अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा माइनस पी इंटू डी अपॉन डी एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रहा नेट फोर्स किस पर, डाइपोल पर, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए, इसी कंसेप्ट पर अपन लोग एक प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के लिए जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया मिटा दूं क्या, चलिए चलिए अब अपन लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो मान लीजिए कि दो डाइपोल है, उस डाइपोल के चलते दूसरे डाइपोल पर आपसे फोर्स पूछ रहा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन समझिए, कुछ कंडीशन में लगा दूंगा, कैलकुलेट क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन या इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू डाइपोल, एक डाइपोल के कारण दूसरे डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछ रहा है। मान लो कि यहां पे एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है और एक डाइपोल यहां पे है, मान लो यहां पे एक डाइपोल है। डाइपोल को बच्चों अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, तो डाइपोल मोमेंट को अपन लोग P से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक डाइपोल है तो P1 हुआ, यहां पे एक डाइपोल है P2 हुआ, ठीक है। अब इस डाइपोल से इस डाइपोल का डिस्टेंस मान लो कि हमने आपको x बोला कि इन डाइपोल से इन डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, तो x है। आपको बताना है कि इस डाइपोल के चलते इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, या इस डाइपोल के चलते इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा। कंडीशन क्या है, तो ये डाइपोल के एक्सिस पर ये डाइपोल प्लेस करा है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, व्हेन या कैलकुलेट या फाइंड फोर्स ड्यू टू क्या चीज, तो फोर्स ड्यू टू डाइपोल वन ऑन डाइपोल टू फाइंड फोर्स ड्यू टू डाइपोल वन ऑन डाइपोल टू। कहने का मतलब फोर्स इस पर चाहिए इस डाइपोल पर इस डाइपोल के द्वारा। तो चलिए अपन लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने जब कंडीशन क्या दे दूं, when this डाइपोल P2 is placed on axial line of distance कितना, तो x of distance x पर ये प्लेस करा गया है, कहां पे, तो ऑन एक्सियल लाइन पर of distance x पर प्लेस करा गया है। तो अगर मैं मैथमेटिकली अगर पूछना चाहूंगा तो आपको बताना है F किस पर, तो F on 2 यानी नेट फोर्स आपको बताना है कहां पे, तो डाइपोल 2 पर, किसके कारण, तो डाइपोल 1 के कारण, तो F नेट on 2 by 1 आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं।
तो हमने आपको फॉर्मूला में क्या बताया था कि एफ नेट इक्वल टू, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है। तो आपको हमने बताया था एफ नेट इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पी इंटू डीई अपॉन डी एक्स, हमने आपको बताया था, ठीक है। अपन लोग कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहां पर ये जो डायपोल रखा गया है, इस डायपोल पर नेट फोर्स बताओ। तो यहां पे क्या डायपोल रखा गया, यहां पे डायपोल P2 रखा गया है, तो क्या होगा, P2 होगा, P2 हमने माइनस का साइन है, माइनस का साइन, ठीक है। हाँ बच्चों, हम बताना चाहेंगे कि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो नेट फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्या होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट या निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी निगेटिव साइन रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। तो P2 यहां का डायपोल इंटू यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायपोल के चलते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि ये डायपोल के कारण ये क्या है, ये x डिस्टेंस कहां पर है, तो x डिस्टेंस आपका एक्सियल लाइन पर है। तो d, तो डायपोल 1 के कारण, तो de1 अपॉन dx होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब e1 एक्चुअली में होगा कितना है, एक्चुअली में e1 इक्वल टू आपको होता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, सॉरी लेक्चर नंबर 22 में आपने देखा होगा e1 का वैल्यू एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, तो 2kp अपॉन x क्यूब, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज व्हाट, दिस पॉइंट इज टेकन एज द सेंटर ऑफ डायपोल। तो x क्यू क्या दिया गया है, तो लेंथ क्या दिया गया है, x दिया है, इसीलिए x क्यू। तो e1 को वैल्यू यहां पे उठा के अपन लोग डाल देंगे, तो चलिए डाल देते हैं, क्या होगा, f नेट यानी f नेट इक्वल टू माइनस p2, तो माइनस p2 इंटू d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स इंटू E1, E1 का वैल्यू क्या है, तो E1 का वैल्यू 2kp अपॉन xq है, 2kp अपॉन xq है, ठीक है, हमने तो कर दिया। अब क्या होगा, तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन है, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ टर्म्स और कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन क्या है, तो ऑल द कांस्टेंट टर्म्स शुड बी टेकन एज आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा, टू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है एंड पी कांस्टेंट है, तो यहां पे पी क्या होगा, तो किसके कारण निकाल रहे हैं, तो इसके कारण निकाल रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या दिया गया है, पी वन दिया गया है, ठीक है, तो P1 हुआ, ठीक है, चलिए करके देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस P2 है, तो माइनस P2 डाला अपन ने, डाल दिया, कांस्टेंट क्या है, 2 है, K है, P1 है, 2 है, K है, P1 है, डाल दिया, और भी कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। अब d by dx ऑफ क्या चीज, तो 1 by x क्यूब, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स क्यू का। तो ये चलिए f नेट अपन लोग डालते हैं, f नेट इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से देखो p1 p2 या इंटू 2, तो क्या होगा 2k p1 p2, माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन हमने अप्लाई करा, माइनस का साइन है, माइनस का 2k p1 p2, 2k p1 p2, और इसका डिफरेंशिएशन 1 by xq का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 by xq का डिफरेंशिएशन 3 by x to the power 4 होता है, 3 by x to the power 4 होता है। अब ये कैसे होता है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, d by dx of 1 by xq इक्वल टू क्या होगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, d by dx of x to the power minus 3, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर बाहर, तो चलिए पावर बाहर हमने कर दिया, क्या है, माइनस थ्री है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उस वेरिएबल का पावर माइनस वन करते हैं, तो वेरिएबल का पावर क्या है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है, तो x टू द पावर माइनस थ्री और माइनस वन, तो x टू द पावर माइनस फोर, और समथिंग टू द पावर, समथिंग टू द पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाय x टू द पावर n होता है, तो ये एक्चुअली में होगा क्या, तो माइनस थ्री बाय x टू द पावर 4 होगा, तो यही वैल्यू अपन ने यहां पे लिखा है ना, माइनस थ्री बाय x टू द पावर 4, ठीक है। अब करके देखते हैं,
ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, प्लस रहा प्लस रहा, थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स रहा, के है तो के, पी वन है पी वन, पी टू है पी टू, अपॉन एक्स फोर है तो एक्स फोर। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन कहां पे, तो ऑन दिस डाइपोल, दिस इज द नेट फोर्स ऑन डाइपोल टू ड्यू टू डाइपोल वन। ओके, दिस इज द नेट फोर्स ऑन डाइपोल टू ड्यू टू डाइपोल वन इक्वल टू सिक्स के पी वन पी टू अपॉन एक्स फोर। इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, हो गया ले लिए। अब हमें आप ये बताओ क्या चीज, तो हमें ये बताओ कि जब when dipole P2 is placed कहां पे, तो एक्सियल के बदले में अभी हो जाएगा इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे प्लेस करा हो, लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डिस्टेंस x। इस बार आपको फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ये डाइपोल है, मान लो कि ये डाइपोल है, ठीक है। अब ये प्लेस करा गया है मान लो कहां पे, तो ये जो प्लेस करा गया है अभी देखो, इसके डाइपोल से कुछ ऐसे प्लेस करा गया है, ठीक है। एक डाइपोल ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पे एक डाइपोल है, कहने का मतलब कुछ इस तरह है या इस तरह है। डायरेक्शन अभी अपने को नहीं देखना, अपने को ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जब इक्वेटोरियल पे हो। कहने का मतलब ये एक डाइपोल है डाइपोल वन और ये एक डाइपोल टू है, तो इसके एक्स डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये डाइपोल टू रखा गया है, आइदर इन दिस कंडीशन हो या आइदर इन दिस कंडीशन हो, आपको फाइंड करना है। और इसका डिस्टेंस आपको एक्स दे दिया गया है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इस डाइपोल पर इस डाइपोल के कारण कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं जो पहले कंडीशन था वही कंडीशन लेके चलेंगे क्या, तो ध्यान से देखना नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है। तो समझने की कोशिश करना, एफ नेट कहां पे, तो ऑन डाइपोल टू ड्यू टू डाइपोल वन इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल विच इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिव है, तो क्या होगा, तो माइनस पी टू, ये डाइपोल प्लेस करा गया है यहां पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, तो इस डाइपोल के कारण, तो P2 into DE1 upon DX, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुआ। चलिए करके देख लेते हैं, तो माइनस P2 रहा, DE upon DX का वैल्यू क्या होगा, और E1 है एक्चुअली क्या, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट अ डिस्टेंस x ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या होगा, तो एक्चुअली में DE1 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना, यानी D by DX of E1, और E1 एक्चुअली में होगा क्या, तो E1 एक्चुअली में इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, तो K P upon X क्यूब होता है, किसके कारण, तो 1 के कारण, इस डाइपोल 1 के कारण, तो K P 1, तो E1 का वैल्यू अपने को ये पुट करना है, तो क्या होगा, माइनस P2 into D by DX of क्या चीज, तो E1, E1 का वैल्यू क्या होगा, तो K P 1 upon X क्यूब। ओके, नाउ इसके बाद अपन लोग प्रोसीड करते हैं, क्या होगा, डिफरेंशिएशन देखिए, दिस थिंग्स इज कांस्टेंट, दिस थिंग्स इज कांस्टेंट, सो क्या हो जाएगा, एफ नेट कहां पे, तो डाइपोल 2 पर डाइपोल 1 के कारण क्या हो जाएगा, तो के पी वन पी टू माइनस के पी वन पी टू माइनस के पी वन पी टू, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, तो 1 बाय एक्स क्यूब, 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और 1 बाय एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता, 3 बाय सॉरी माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4, तो क्या होगा, ये के पी वन पी टू इंटू माइनस 3 बाय एक्स टू द पावर 4। नाउ एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो एफ नेट कहाँ पे, तो डाइपोल 2 पर डाइपोल 1 के कारण क्या हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो थ्री के पी वन पी टू अपॉन, थ्री के पी वन पी टू अपॉन x
एक्स टू दी पावर फोर, एक्स टू दी पावर फोर, ठीक है। तो ये अपना हो गया नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू डायपोल वन ऑन डायपोल टू व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चलिए, आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझे होंगे। तो चलिए, अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपके लिए मैं डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। क्या? तो आपको फाइंड करना है, मान लीजिए, होमवर्क दे देता हूं, ट्राई करना। मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज क्यू है, यहां पे प्लस टू क्यू चार्जेस है और यहां पे माइनस क्यू चार्जेस है। इनका डिस्टेंस क्या है? इनका डिस्टेंस ए है, इनका डिस्टेंस भी ए दिया गया है। और आपको फाइंड करना है यहां पे जेड डियर, मान लीजिए ये डिस्टेंस भी ए है, तो इस जेड पॉइंट पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ रहा हूं फाइंड ई नेट एट पॉइंट जेड इक्वल टू क्या होगा, ट्राई करना। बाय द वे, इसका हिंट मैं जरा बता देता हूं। देखो, एक यहां पे इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेना या तोड़ देना, तो एक प्लस क्यू हो जाएगा, एक दूसरा प्लस क्यू हो जाएगा। तो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो ये एक डाइपोल हो गया। यहाँ पे एक प्लस क्यू और एक यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये एक दूसरा डाइपोल हो गया। इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेना। फिर आप क्या करना, आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज कर लेना। तो ये थोड़ा सा हिंट हुआ, अगर सोल्व कर लेना, अगर नहीं बनता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहां पे मेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको मेल के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छी बात। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करते रहना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।